हर व्यक्ति जीवन को स्वस्थ चाहता है और नाक जो है वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जो आप श्वास लेते हैं वो जीवन को स्वस्थ बनाने में लाभ देते हैं, और इसके लिए योग में बहुत शानदार एक प्राणायाम है जिसका नाम है अनुलोम विलोम। देखिए, ये प्राणायाम हमारे जीवन की जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला है। दो नोस्टल हमारे शरीर में है, एक दायां एक बायां, इसको कहते हैं पिंगला नाड़ी, इसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र स्वर, पिंगला नाड़ी यानी सूर्य स्वर। इसको अगर शरीर के साइंस से समझे तो हमारा जो मिडिल पार्ट है, इससे अगर इधर का पार्ट की बात करें तो ये गर्म है, क्योंकि यहाँ लीवर है। लीवर का काम अग्नि यंत्र के रूप में होता है, अग्नि होती है, ये लीवर है। और ये इधर की साइड में हार्ट है जो कि ठंडा होता है। ये चंद्रमा, चंद्रमा यानी शीतलता देने वाला, उसका भाग है। और ये जो हमारा है ये सूर्य यानी गर्मी देने वाला भाग है। तो इसीलिए दाहिने नोस्टल को सूर्य नाड़ी कहते हैं, बाएं नोस्टल को चंद्र नाड़ी कहते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो किसी एक नाक से ज्यादा श्वास आता है। तो ये जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, ये शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए है। ये ऑटोमेटिक हमारे शरीर का एसी है जो कि शरीर में गर्म और ठंडे का सेक करता रहता है। अगर हम योग प्राणायाम के माध्यम से अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो शरीर का अंदरूनी सेक करते हैं हम गर्म और ठंडे से। ये गर्म ठंडे का सेक अगर आप जीवन में अपना लेंगे, भले ही बुजुर्ग है, युवा है, बच्चे हैं, महिला है, कोई भी है, आप इस प्राणायाम को जीवन में 15 से 30 मिनट तक जरूर डालिएगा। 15 मिनट तो कम से कम करिए, और एक मिनट के आसपास लगभग एक सर्किल को लगता है। तो आप अगर धीमी गति से इस प्राणायाम को करेंगे तो शरीर के हर तंतु को खोल लेंगे। शरीर में हमारी इतनी नस नाड़ियां, उनका नाड़ी का शोधन करने के लिए अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी है। अगर शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो, कहीं भी, यहां से लेके यहां तक, यानी सर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, शरीर में स्टिफनेस हो, हमारे पैरों में, पिंडलियों में, कहीं भी कोई गैस हो, तकलीफ हो, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी हर नाड़ी को मजबूत करता है। कहीं भी चोट लग जाए, हड्डी टूट गई, या कोई मसल्स जो है क्रैम्प हो गया, या हमारे घाव हो गया, तो लेटे लेटे हम कमर सीधी रहे, लेटे लेटे अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, बशर्ते हमारे दोनों नोस्टल खुले होने चाहिए। श्वास हमारा बाईं से शुरू, बाईं नासिका से शुरू करना है, दाईं से छोड़ना है, दाईं से लेना है, बाईं से छोड़ना है। सिंपल प्राणायाम करने का तरीका आप देख लीजिए, कमर सीधी रहनी चाहिए, बैठकर जमीन पर बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं, पलंग पर लेट सकते हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं फिर उसके बाद में प्राणायाम करिए 10 दिन मेरे कहने से, आप करके देखिएगा। स्किन में अगर आपको चमक, स्किन में अगर चिकनाई आपको हाथ लगाने से महसूस नहीं हो तो मुझे कह दीजिएगा, बहुत लाभकारी। 18-20 साल के मेरे अनुभव में इस प्राणायाम का मुकाबला कोई करने वाला प्राणायाम नहीं है। करने का तरीका, दाहिनी नासिका को बंद करना है, बाईं नासिका से श्वास को भरना है, 10 गिनती तक श्वास को भरना, बाईं नासिका को बंद कर लेना, दाहिनी से छोड़ना, 10 गिनती तक छोड़ना, 10 गिनती तक लेना, दाहिनी को बंद करना, बाईं से छोड़ना। ये हमारा एक रिपीटेशन पूरा हुआ है। बाईं नासिका से लेना, दाईं से छोड़ना, दाईं से लेना, बाईं से छोड़ना। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार श्वास का रेशियो नाड़ी शोधन में 10 गिनती, 40 गिनती और 20 गिनती होता है। यानी 10 गिनती तक श्वास लेना, 40 तक रोकना, 20 तक छोड़ना। यहां हम रोकने की बात नहीं करें, जिसको कुंभक कहते हैं। श्वास लेने को पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं। और ये पूरक, कुंभक, रेचक जो है, यही नाड़ी शोधन है। अनुलोम विलोम में हम केवल पूरक और रेचक करेंगे, यानी लेंगे और छोड़ेंगे। तो 10 गिनती तक लेना, 10 तक छोड़ना, ये सामान्य रूप से हर व्यक्ति कर सकता है। ये कोई बहुत एडवांस पोज नहीं है, सामान्य स्थितियों में इसको किया जा सकता है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत लाभकारी है जीवन में। किसी भी प्रकार के गंभीर रोग हो तो योग की माध्यम से आप ये समझिएगा कि रोग होने के बाद आपको किसी चिकित्सक या फिर योग प्रशिक्षक की देखरेख में करना चाहिए। और सामान्य परिस्थितियों में आप सभी लोग योग प्राणायाम कर सकते हैं। आज मैंने आपको एक पिन पॉइंट प्राणायाम बताया है जिसको कहते हैं अनुलोम विलोम। और आगामी हमारी जो सीरीज चलेगी उसमें हर प्राणायाम, हर आसन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी अपेक्षा करते हुए डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत। मैं त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से, नमस्कार।